हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल राइट डायरेक्शन एकेडमी। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में मैं अब तक क्या बात कर चुका हूँ एक बार देखते हैं। एस आई बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टाइप नंबर 1 हमने पढ़ा था, बेसिक क्वेश्चन ऑफ एस आई, और उसके लिए हमने आर परसेंट को टी से गुणा करके इसका फ्रैक्शन मैथड पढ़ा था। आर परसेंट को टी से गुणा करते हैं तो नीचे आता है प्रिंसिपल, ऊपर आता है एस आई। अगर आप उसमें ऐड करोगे तो अमाउंट आ जाएगा। टाइट नंबर 2 पढ़ा था, N1-1 upon N2-1 = R1/R2 या T1/T2, ये भी आपको याद है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइट नंबर तीन था आपको अमाउंट का टाइम निकालना, वही था क्या? फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अमाउंट, या फिर शायद दो अमाउंट्स वाला था, है ना, दो अमाउंट दे रखे हैं उसका प्रिंसिपल निकालना है। आपको पता होता था कि यहाँ पे आपका पैसा 7000 हो गया 2 साल में और फिर 8 साल में इतना हो गया, तो बताओ रेट या प्रिंसिपल क्या होगा। टाइप नंबर 3 था फाइंड आउट टाइम पीरियड, एक अमाउंट देता है और उसका टाइम देता है, दूसरा अमाउंट देता है और उसका टाइम पूछा होता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। टाइप नंबर 5 था चेंज इन द रेट परसेंटेज को अगर आपने माइनस कर दिया या प्लस कर दिया। टाइट नंबर 6 था रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, सो उसमें क्या करते हैं R1 T1 R2 T2 R3 T3 सबको ऐड कर देते हैं, जो आता है उसमें अपॉन में 100 करते हैं, नीचे प्रिंसिपल और ऊपर SI, ये भी पता है। टाइट नंबर 7 कुछ पैसा आपने बांटा और उन सबका सम या फिर डिफरेंस बताओ, ठीक है। अगर सम वाला क्वेश्चन हो तो हम एलिगेशन लगा लेते हैं, डिफरेंस वाले में सीधा रेशो का इक्विवेलेंट लगा लेते हैं। टाइट नंबर 8 थोड़ी देर चला देंगे उसको बच्चों। बाहर तो ठंड थी, यहाँ गर्मी लग रही है। टाइट नंबर 8 में हमने देखा था अगर आप 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो सबका ऐसा ही सेम है, ठीक है, तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना था प्रिंसिपल का रेशियो, P1 ratio P2 ratio P3 1/ratio 1/R2 T2 और अमाउंट सेम हो फिर नेक्स्ट 100+ करना है, ठीक है। तो ये टाइट नंबर 8 में था ऐसा ही सेम, टाइट नंबर 9 में था अमाउंट सेम, यहाँ तक ही बात हुई थी शायद ऐसा लगता है। तो टाइट नंबर 10 लिखें, प्लीज़ राइट डाउन टाइट नंबर 10 क्या हो गया था अच्छा टाइट नंबर 10 हमने लिखा था चेंज इन द प्रिंसिपल। अच्छा वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, उसमें होता क्या था कि आपका अगर पुराने प्रिंसिपल से इफ़ यू नो द SI ऑफ ओल्ड प्रिंसिपल, और अगर आपने प्रिंसिपल को 3 गुना कर दिया तो SI भी क्या हो जाएगा 3 गुना, यदि टाइम सेम है। अगर टाइम सेम नहीं है तो पहले निकालो, है ना, पहले आप सेम बनाओ उसके बाद करेंगे, याद है आपको। चलिए उसके बाद उसमें हमने देखा था कि यार SI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल व्हेन द टाइम एंड द रेट आर सेम, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, इसी में एक क्वेश्चन और लिखते हैं कि आपने पैसा उधार लिया और 8000 और उधार ले लिया, पहले 10000 पैसा आपने बोरो किया बैंक से और फिर 3 महीने बाद 8000 और कर दिया, या फिर आपने 10,000 रुपीज़ बैंक से बोरो किया और आपने 4 महीने बाद 2000 और रिटर्न कर दिया, तो उसमें क्या हो जाता है प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो ऐसे भी आ सकते हैं, अभी हमने जो किया वो तो बड़ा सिंपल था 3 times 4 times 2 times, कई बार रुपए में भी आपसे पूछ सकता है। सो प्लीज़ राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेम टाइप, लिख लो आप, चलो राइट डाउन। ए पर्सन बोरो 12,000 रुपीज़ एट 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट। ए पर्सन बोरो 12,000 रुपीज़ एट 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट। एक व्यक्ति 12,000 रुपये की धनराशि 9% की दर से उधार लेता है, एक व्यक्ति 12,000 की धनराशि 9% की दर से उधार लेता है। आफ्टर 2 ईयर ही डिपॉजिट 2,000, आफ्टर 2 ईयर ही डिपॉजिट 2,000, 2 साल के बाद वह 2,000 रुपये जमा कर देता है, 2 साल के बाद वह 2,000 रुपये जमा कर देता है एंड आफ्टर 5 ईयर। अच्छा ये बताओ हिंदी में तो लिखा है तथा उसके 5 साल बाद, अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखो,
मतलब मैं जा रहा हूँ इसके 5 साल बाद, एंड देन कर दें, नहीं देन में तो पूरा हाँ चलेगा, एंड देन आफ्टर 5 ईयर है ना, सही है, एंड देन आफ्टर 5 ईयर ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज और उसके 5 साल बाद वह 5,000 रुपये और जमा कर देता है, और उसके 5 साल बाद वह 5,000 रुपये और जमा कर देता है, तथा इसके क्या यार हिंदी में, तथा उसके 5 साल बाद 5 रुपये देकर, तथा उसके 3 साल बाद दे देता है, तो अंत में कितने, ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है मेरे पास, पहले हिंदी बोल देता है ना, क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है एक्चुअली, है ना, पहले हिंदी बोल देता हूँ। एक गांव में, नहीं गांव नहीं, एक व्यक्ति 12,000 रुपये 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, 2 वर्ष बाद 2,000 देकर, तथा उसके 5 साल बाद 5,000 रुपये देकर, तथा उसके 3 साल बाद दे देता है, तो अंत में, अच्छा ये गलत है क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे लिखते क्वेश्चन पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, ये किसी बच्चे से बोला था उतार लो और उसने उल्टा उल्टा उतार दिया, चलो लिखो, हाँ जी क्या कहाँ तक लिखा, एंड आफ्टर दैट 5 ईयर ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज एंड क्लोज द अकाउंट, कोई बात नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन होगा, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, एंड क्लोज द अकाउंट, और उसके 5 साल बाद वह 5,000 रुपये देकर खाता बंद कर देता है, बच्चा अभी चालू किया, अभी स्टार्ट किया है, ये बस रिवीजन करवाया था, है ना, वही वाला जो टाइप चल रहा था ना, इधर 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 छोटा बच्चा इधर जो टाइप चल रहा था उसी का पहला क्वेश्चन है, अभी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम आपके ही वेट कर रहे थे, आप आओ तो स्टार्ट करें, है ना, हाँ ठीक है, सो व्हाट इज़ द रेट, मैं 2 लाइन छोड़ दो, उतार लेना क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रेट, तो दर क्या है, ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज़ एंड क्लोज द अकाउंट, ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ शुरू से, सुनो बच्चा, ए मैन बोरो 12,000 रुपीज एट 9% सिंपल इंटरेस्ट रेट, एंड आफ्टर 2 ईयर ही डिपॉजिट 2,000 रुपीज, एंड देन आफ्टर 5 ईयर ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज एंड क्लोज द अकाउंट, व्हाट इज द रेट परसेंटेज, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में लिख दिया, अच्छा, ओके दैट इज़ अ डिफरेंट, ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन अलग था, रेट वाला नहीं था, ठीक है, चलो तो थोड़ा सा चेंज करें, आप बहुत अच्छा लिखते हो, कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना, हाँ ठीक है, रेट वाला भी मैं लिखवा दूंगा, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस से लास्ट बार, ठीक है, एंड देन आफ्टर ही डिपॉजिट, देन आफ्टर 5 ईयर ही डिपॉजिट 5,000 रुपीज, ठीक है, फुल स्टॉप, and then after 3 year, he deposit some amount and close the account, ye hai question ye tha actually, then after 3 year he deposit some amount and close the account, aur uske 3 saal baad vah kuch dhan rashi jama karke khata band kar deta hai, ha bache 5 saal ho gaya na, ha उसके उसके बाद लिखो, देन आफ्टर 3 ईयर ही डिपॉजिट सम अमाउंट एंड क्लोज द अकाउंट, और उसके 3 साल बाद वह कुछ धनराशि जमा करके खाता बंद कर देता है, फाइंड द लास्ट अमाउंट ही डिपॉजिट, फाइंड द लास्ट अमाउंट ही डिपॉजिट, उसके द्वारा अंतिम भुगतान की गई राशि ज्ञात करो, फाइंड द लास्ट अमाउंट डिपॉजिट, ठीक है, चलिए मैं अपना पर्पस इस क्वेश्चन का जो कॉम्प्लिकेशन उसको हटा के देखो, बड़ा सिंपल वे में सोचना क्या कह रहा है ना, बाकी ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे लिखवा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर देखो आप तो बोर्ड पे, है ना, देखो इसको मैं बताता हूँ, अगले 2 आप करके बताना, है ना, हुआ क्या, सबसे पहले आप ये देखो कि ये 9% की रेट से उसने पैसा उधार लिया, कितने साल के लिए लिया आपको दिख रहा है क्या, 5, 6, 7, 10 साल के लिए, है ना, यहाँ तक ठीक है, तो कैन आई राइट दैट, अगर आप 12,000 रुपीज किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको उसको कितना देना पड़ेगा, 12,000 प्लस इंटरेस्ट,
तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो मैं सिंपल बता रहा हूँ पहले, वैसे 12,000 तो देना ही पड़ेगा ना आपको जिससे उधार ले रहे हो, साथ में आप कितने लोगे 12,000, आर आर कितना 9 और टी कितना 10 साल अपॉन 100, आप जैसे भी करो, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता। अगर आप बार बार प्रिंसिपल में कन्फ्यूज हो जाओगे, बार बार अगर आपने प्रिंसिपल को देखा तो कन्फ्यूज जाओगे, ठीक है। अच्छा सुनो, स्टॉप राइटिंग प्लीज़ मत लिखो, ठीक है। एक तो ये तरीका हुआ, उसके बाद आपने जो पैसे उधार वापस रिटर्न किए, देखो एक बात है, यहीं से मेरा एक कॉन्सेप्ट आएगा इंस्टॉलमेंट का। पहले के ज़माने में हम साहूकार से पैसा उधार लेते थे, है ना, उसमें बहुत बेईमानी होती थी। आज के ज़माने में बैंक से पैसा उधार देते हो, तो जो जब भी आप पैसा वापस रिटर्न करते हो वो प्रिंसिपल में से रिड्यूस हो जाता है। पहले नहीं होता था, पहले वही चलता रहता था ब्याज, अब उसमें से रिड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन में अगर मैंने 2 साल के बाद 2,000 रुपये वापस को रिटर्न किए तो मेरा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 10,000। या मैं ये भी कह सकता था कि मैंने जो 2,000 रुपये उधार दिए उसका इंटरेस्ट मुझे मिलता रहेगा। तो ये दो मेथड इस क्वेश्चन को करने के। तो जो सेकंड वाला मेथड है, इट्स इजी अप्रोच, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कम होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 12,000 रुपीज, बस आप ये मान के चलो कि आपने सिर्फ 2 साल के लिए लिए, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इतना। बस आप क्या मानो कि 2 साल के लिए आपने पैसा उधार लिया, उसके बाद आपने 2,000 दे दिया, तो अब आपके पास कितना पैसा है 10,000। तो अब आप 10,000 पे इंटरेस्ट दोगे। ये दो अप्रोच है करने के। 10,000 पे कितने साल तक दोगे, है ना, 2 साल, है ना बच्चा, 2 साल। अरे ये 5 साल है ना, उसके 5 साल बाद था ना, हाँ, तो 5 साल तक लोगे आप। 5 साल तक आपने अपने पास पैसे इतने रखे, उसके बाद 5,000 और रिटर्न कर दिए, तो कितने रह गए अब आपके पास प्रिंसिपल 5,000। ये कितने साल के लिए रखोगे, 3 साल के लिए। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं आपको ऐसे बता दिया, बाकी तो कैसा क्वेश्चन आएगा थोड़ा छोटा उसके आ सकता है। तो इतना आपको इंटरेस्ट देना है, यहाँ तक ठीक है क्या। अच्छा, और आपने चलो देते हैं कितना कितना दिया, इंटरेस्ट कितना दिया आपने, पहले कितने पैसे दिया था 2,000 दिया था ना, 2,000, हाँ, और 5,000 और कितना दिया एक्स, वही तो निकालना है, ठीक है। दिस माइनस 12,000, ठीक, अब देख कर बताओ, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा आप सुनो, मैंने बैंक से पैसा उधार लिया 12,000 और आफ्टर 2 ईयर 2,000 और दे दिया, तो यार 2 साल तक तो मैंने 12,000 रखा, तो 12,000 पे 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद इसके 5 साल बाद, तो 5 साल तक मेरे पास कितना प्रिंसिपल रहा 10,000, तो मैं 10,000 रुपीज़ पे कितने साल का इंटरेस्ट दूंगा 5 साल का, ये भी ठीक है यार। अच्छा, इसके 3 साल बाद कुछ और पैसा मैंने देके अकाउंट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 साल तक, इसके 3 साल तक मैंने और रखा, देखो यहाँ पे 5,000 दे दिया था, 10,000 में से 5,000 दे दिया था, कितना बचा था 5,000, तो 5,000 मैंने 3 साल तक, इतना मुझे इंटरेस्ट देना है बैंक को, ठीक है। अच्छा, मैंने बैंक को कितने कितने रुपए दिए, एक तो दिया 2,000, एक दिया 5,000, पर आपको पता है इंटरेस्ट के साथ वो भी तो देते हो क्या प्रिंसिपल। आपने बैंक से 12,000 रुपये उधार दिए तो 12,000 तो देना ही पड़ेगा ना, उसके अलावा दोगे। तो अब आपने 2,000 दिया, ठीक है, फिर 5,000 दिया, ठीक है। अगर क्लोज करना है अकाउंट तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो ये जितना आपने पैसा दिया उसमें इंटरेस्ट का पार्ट कितना है माइनस 12,000, ये तो पूरा क्या था अमाउंट। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप बताओ आंसर, बताओ करके बताओ, सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं और अभी देखते हैं ऐसे और कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन बड़ी आसान है, आप इधर देख लो पहले, 5 और 2 7, तो x माइनस 5,000 हो जाएगा, ठीक है। बताओ आंसर, बताओ कितना आया, और भी अगर आप मल्टीप्लाई करो टोटल बताओ लास्ट में, चलो यहाँ पे 2 6 16 2, उधर से आया 450, 100 था क्या 4500, और उधर से आया कितना 1350, ऐड करो कितना है 5 8 9 4 5 6 7 8 0 1 0, ठीक है। तो 8 0 1 0 इक्वल टू एक्स माइनस 5,000, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 13,010, वेरी गुड। एक और जीरो, सो बड़ा सिंपल है बट थोड़ा सा
फंडे क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इसके आजकल ऐसे क्वेश्चन टैटू में आने लगे हैं, है ना, कि भाई पैसा पहले उधार लिया, और होते बड़े सिंपल हैं पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बना लेता है। 5 साल बाद पैसा और इतना दे दिया, उसके बाद इतना ले लिया, बताओ अकाउंट खत्म कर दिया, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सो आपको आ तो गया ही है, नहीं भी आया तो भी कोई बात नहीं, एक बार ध्यान से देखो और आप मुझे फिर एक क्वेश्चन और करके बताओगे। हुआ क्या बच्चा? लिखो, ए पर्सन बोरो 9,000 रुपीज फ्रॉम बैंक। एक व्यक्ति बैंक से 9,000 रुपये उधार लेता है। एक व्यक्ति बैंक से 9,000 रुपये उधार लेता है। एंड आफ्टर 4 ईयर ही डिपॉजिट 6,000 रुपीज। अब देखते हैं कौन बताता है इस क्लास में। और 4 साल बाद वह 6,000 रुपये की धनराशि जमा करवा देता है। और 4 साल बाद वह 6,000 रुपये की धनराशि जमा करवा देता है। एंड आफ्टर 3 ईयर ही डिपॉजिट 5,700 रुपीज। एंड आफ्टर 3 ईयर ही डिपॉजिट 5,700 रुपीज एंड क्लोज द अकाउंट, एंड क्लोज द अकाउंट। और उसके 3 वर्ष बाद वह 6,000 रुपये की 5,700 रुपये की धनराशि जमा करके, और उसके 3 साल बाद वह 5,700 रुपये की धनराशि जमा करके खाता बंद कर देता है। व्हाट इज द रेट परसेंटेज, व्हाट इज द रेट परसेंटेज? बच्चा बच्चा नहीं दिख रहा पीछे वाला बच्चा, आ जाओ आगे, आ जाओ, बहुत सारी जगह नहीं दिख रहा तो आ जाओ, इधर भी जगह है, आ जाओ, आ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबल, ओके। ऐसा कुछ नहीं कि लेट आने पर पीछे बैठना है, मैं भी तो लेट आता हूँ, सबसे आगे आता हूँ। अच्छा बताओ, आंसर बताओ, अरे अभी सिखाया था, आंसर बताओ जल्दी से, हाँ करो, मैं चलो लिख लेते हैं। अच्छा आप बता दो क्या क्या लिखना है ये बता दो, चलो आंसर छोड़ो। सबसे पहले 9,000 रुपये आपने बैंक से बोरो किया, तो लिखो 9,000 रुपीज बोरो, कितनी रेट में, वही पूछा है, कितने साल तक, 4 ईयर तक, 4 ईयर तक रहा ये वाला प्रिंसिपल, कितना सिंपल। प्लस आफ्टर 4 ईयर यू डिपॉजिट 6,000, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल नाउ, 3,000, 3,000, तो 3,000 रह गया प्रिंसिपल। बच्चों ये कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए, डिवाइडेड बाय 100, और इसके कितने बाद, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, क्लोज द अकाउंट, 5,700 और दिया था क्या, अच्छा गलत हो गया क्या, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे 9,000 लिया था 4 ईयर के बाद, ये ठीक 6% किसका आ गया, वेरी गुड, दो बच्चों ने कर भी लिया, 9,000 लिया था 4 ईयर के लिए, ठीक है, आफ्टर 4 ईयर, आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, आप तो ऑफिसर हो, जंप मार के जाओ, वेरी गुड, ठीक है। आप देखो इधर देखो, 9,000 रुपीज़ प्रिंसिपल था ये, तो ठीक है कोई बात नहीं, आफ्टर 4 ईयर, तो 4 साल तक रखा, उसके बाद 6,000 दिया, ठीक है, तो ये 4 ईयर तरह, जैसे 6,000 दिया ये कितना हो गया प्रिंसिपल, 3,000, और ये 3 साल तक रहा, बस खत्म, और क्या, उसके बाद तो आपने वैसे भी अकाउंट क्लोज करवा दिया, तो इतने दिया और क्या, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपने कितना कितना पैसा दिया बैंक को, एक तो दिया था आपने 6,000 और एक कितना दिया था 5,700, ये दो पैसा दिया, पर इसमें प्रिंसिपल भी छुपा हुआ है, सो इंटरेस्ट कितना दिया, माइनस 9,000, आप जैसे भी समझो, मैं तो सीधा सीधा मैं सीख रहा हूँ, सीधा सीधा ऐसा ही निकालता हूँ, मेरे पास है ना, बैंक से मैंने कितना पैसा लिया उतना ही इंटरेस्ट दूंगा, मैंने 9,000 लिया सिर्फ 4 साल तक, तो 9,000 पे 4 ईयर का इंटरेस्ट दूंगा, उसके बाद मैंने 6,000 बैंक में जमा कर दिया, इट मीन्स माई प्रिंसिपल विल रिड्यूस अप टू द 3,000, और इसके 3 साल बाद अकाउंट बंद कर दिया, इट मीन्स मैंने 3 साल तक पैसा
पे इंटरेस्ट दिया। अब इसको मैं सोचना सर ये 5700 दिया, हाँ तो दिया तो उधर आ गया ना। तो ये क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, कोई खास नहीं, कैलकुलेशन भी देखो कितना आसान, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये हो गया 360 है ना, 360 और ये कितना हो गया 90, 360 और 90 कितना हो गया 450, तो यहाँ पे लिख दो 450 आर इक्वल टू, इधर ऐड करो 20 100 100, ये हो गया, ये ना बच्चा, तो आर बराबर हो गया 2700 डिवाइडेड बाय 450 और ये आपका 6 टाइम कट गया 6% रेट। बस ऐसे ही करना है क्वेश्चन, थोड़े ये ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, बट ट्रिकी क्वेश्चन है और ये आने लगे हैं आजकल, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो वो आता है पैसा को अलग अलग लोगों को बांटा, उसके बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं ना, एक डिफरेंट रेट और डिफरेंट ईयर, वो वाला भी इस बार बहुत जगह है, रेट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर, वो क्वेश्चन भी बहुत जगह इन्होंने पूछा गया, ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। बताओ पहले, तो अभी हमने लास्ट क्लास में जो किया था वही टाइप को हमने किया है, तो बच्चा आप, अच्छा आप तो लूज पेज पे करते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, सो उसी टाइप को कंटिन्यू कर रहे हैं ना, लिखो एक और टाइप, एक और क्वेश्चन उसी टाइप को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिखो आप, ठीक है। चलो अब तो आपको आइडिया हो गया कैसे करना है, तो आप मुझे करके बता दो। ए पर्सन बोरो 20,000 रुपीज फ्रॉम बैंक, ए पर्सन बोरो 20,000 रुपीज फ्रॉम बैंक, एक व्यक्ति बैंक से 20,000 रुपये उधार लेता है, एक व्यक्ति बैंक से 20,000 रुपये उधार लेता है। आप मॉक टेस्ट किया, मॉक टेस्ट तो तब करना जब पूरा कमांड आ जाए पूरी मैथ्स पे, हाँ डाउट मतलब आज घर गए और 100 क्वेश्चन का टारगेट है, ये बुक से 100 क्वेश्चन करना है, तो वो मॉक टेस्ट जैसे ही हुआ। और अभी क्या टाइम का नहीं सोचना है, मॉक टेस्ट में मैं अभी मना क्यों करता हूँ, क्योंकि मॉक टेस्ट करने से आप है ना बहुत स्लो स्लो करते हैं और आपको डिप्रेशन आ जाता है, उसके बाद फिर वापस उठना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रिलियंट की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल बच्चों की बात कर रहा। अभी आप मॉक टेस्ट में बैठेंगे, आप सोचेंगे, और सोचने का टाइम क्यों है, क्योंकि अभी आपको याद नहीं है, आपको मेथड्स नहीं पता, इसलिए आप सोचोगे अच्छा टाइम इन वर्क का ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे गया टाइम, एक मिनट तो ऐसे गया। तो जब आप पे ऐसी कमांड हो जाएगी कि बस अच्छा ये क्वेश्चन ये आया टाइम इन का, ये लगाया खटाखट खटखट आ गया, आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा चलो आगे बढ़े, है ना। तो ये कमांड कब आएगी, जब आपको हर एक चैप्टर में हर एक टाइप आपको याद होगा, जमाने याद होगा, है ना, आंखें बंद करके बैठे हुए और मतलब सो भी रहे हो, थप्पड़ मार के उठाए किसी ने, बोला सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी, धड़ 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 धड़, ऐसा है ना, ऐसा आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी प्लीज चलिए, ए पर्सन बोरो 20,000 रुपीज फ्रॉम बैंक, एक व्यक्ति बैंक से 20,000 रुपये उधार लेता है, आफ्टर 5 ईयर ही बोरो 5,000 रुपीज मोर, एंड आफ्टर 5 ईयर ही बोरो 5,000 रुपीज मोर, और 5 साल के बाद वह 5,000 रुपये और उधार लेता है, वेरी गुड। तो 5 साल के बाद वह 5,000 रुपये और उधार लेता है, एंड आफ्टर 4 ईयर ही डिपॉजिट 37,000 रुपीज, एंड आफ्टर 4 ईयर ही डिपॉजिट 37,000 है ना 37,000 रुपीज एंड ही क्लोज द अकाउंट 37,000 रुपीज एंड ही क्लोज द अकाउंट। कुछ दिनों में मेरी बस ऐसी आवाज़ होने वाली है ना, हिंदी इंग्लिश बोल बोल के, एंड ही क्लोज द अकाउंट, और उसके 4 साल बाद वह 37,000 रुपये देखकर खाता बंद कर लेता है। बस पकड़ना है सामने वाले की गलती, है ना, खुद तो गलतियों का पिटारा वो नहीं है, बस थोड़ा सा होती। व्हाट इज द रेट, तो दर ज्ञात करो, बताओ जल्दी से, हिम्मत देखते हैं, व्हाट इज द रेट, तो दर ज्ञात करो। अब देखो मोर और पैसा लिया तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो साथ ही लिख देते हैं, अपने पर टाइम नहीं, जिसका आंसर आ जाए बीच में बता देना, हिम्मत देखते हैं, वैसे हिम्मत वाले के आएगा आंसर। तो 20,000 रुपीज़ उधार लिया 5 साल के लिए, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ कि मुझे कितना इंटरेस्ट देना है बैंक को, 20,000 इंटू आर नहीं मालूम, वही तो निकालना है, और कितने साल का, 5 साल का, डिवाइडेड बाय 100, ये ठीक है, 20,000 रुपये मैंने उधार लिए, आगे देखते हैं, वेरी गुड, 6% किसका आ गया, एक बच्चे का, पूरी क्लास में बहुत ही प्यारा बच्चा है, और ठीक है दूसरा देखते हैं। अब आपने क्या किया, 5,000 रुपये और उधार ले लिया, तो प्रिंसिपल आपका बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 25,
तो अब लिखो 25,000। आपको जैसे भी करना है, मैं तो बिल्कुल सिंपल सिंपल मेथड लगाता हूँ। अच्छा बच्चे, ये कितने साल के लिए रखा आपके पास? अगले 4 साल के लिए रहा ना यार बच्चों। 4 साल के बाद आपने खाता बंद कर दिया, उसको नहीं काउंट करना है, वो तो आपने 4 साल तक रखा। बस इतना पैसा आपको एज ए इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, चलो देखते हैं आपने क्या क्या पैसा दिया। आपने एक बार तो दिया था 5,000 है ना? अच्छा, लिया था सिर्फ एक ही दिया आपने 37,000, बस यही पैसा दिया। पर इसमें आपका प्रिंसिपल भी जुड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। प्रिंसिपल कितना है? 25,000। या मुझे लग नहीं रहा इसके चेहरे से कि इसका आंसर आया। देखना कॉपी में, देखना इसके, देखना आया, आ गया आ गया। तो तुम इतना क्यों मुस्करा रहे हो? ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे यार, प्लीज़ अपने पास टाइम नहीं, क्योंकि आज अपन को इसको ख़त्म करना है, तो 6% आ जाएगा। कर लोगे इतना? तो चलिए, सो ये था आपका चेंज इन द प्रिंसिपल। अब इन माय व्यू चेंज इन प्रिंसिपल, बच्चों क्या ना एसएससी की अगर बात करें तो 2012 से पहले का सिलेबस में सिर्फ अर्थमेटिक आता था, एसएससी की बात करें, है ना? तो 2012 से पहले एसआईसीए के बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, 8-10 क्वेश्चन आते थे। तो उस समय हार्ड तो नहीं बन सकते थे क्योंकि एडवांस मैथ्स नहीं आती थी, तो वो एसआईसीए में ही हार्ड क्वेश्चन बनाते थे, बड़े बड़े क्वेश्चन, और उसमें भी वो कुछ छोड़ने वाले क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो आपको कभी 2012 के पहले भी क्वेश्चन मिले उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वैसे उस बुक में सब आपको मिल जाएगा। सो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान सा चैप्टर है। हाँ, एसआई के साथ सीआई का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आजकल फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हैं, वो हम देखते हैं, पर उससे पहले इसका इंस्टॉलमेंट वाला क्या होता है वो देखते हैं। तो इंस्टॉलमेंट से पहले आप एक बड़ा प्यारा टाइप लिखेंगे, डिपॉजिट मनी इन बैंक। अच्छा सुनो, प्लीज़ ऐसा भी नहीं लिखो, सक्सेसिव लिखो, सक्सेसिव डिपॉजिट मनी इन बैंक, क्रमागत बैंक में पैसे जमा करना। सक्सेसिव डिपॉजिट मनी इन बैंक, क्रमागत बैंक में पैसा जमा करना, क्रमागत बैंक में पैसा जमा करना। ये कौन सा होगा बच्चों? टाइप नंबर 11। अरे वाह, लकी नंबर 11, इसलिए बता रहा हूँ। तो अब हुआ क्या, एक अकाउंट सुना आपने, आरडी अकाउंट, आरडी, ए नहीं, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। ये आरडी अकाउंट का क्वेश्चन है, आरडी परेड भी होती है ना, एनसीसी वालों को पता होगा, है ना? आई हैव सी सर्टिफिकेट इन एयरविंग। और किसी के पास है सी सर्टिफिकेट? अच्छा, तो आरडी अकाउंट मतलब होता है, आप लिख सकते हैं इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट मतलब, अच्छा सुन तो लो प्लीज़, अभी लिख लेना आराम से। एक फिक्स टाइम पीरियड में एक फिक्स अमाउंट को आप बार बार जमा करते हो। ठीक है, जैसे मेरे पापा ने मुझे बोला था कि यार तेरे से पैसे रुकते नहीं है ना, खर्च हो जाते हैं, तो ऐसा कर आरडी अकाउंट खोल दे। तो जब मैं, मुझे जॉब मिली थी, उस समय मैंने 5,000 का आरडी अकाउंट खोला था। देखो उसका मतलब क्या था कि 1 जनवरी को मैंने बैंक में 5,000 रुपये जमा कर दिए। अच्छा, आरडी अकाउंट में क्या होती है आजकल, जैसे एसबीआई में, मैंने एसबीआई में खोला था, तो उनमें बार बार जाना नहीं पड़ता, वो मेरे मेन अकाउंट से अपने आप 5,000 रुपये खुद निकाल लेंगे और वो आरडी अकाउंट का अलग अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। खैर, हमारा तो सैलरी अकाउंट भी एसबीआई था, मेरी सैलरी एसबीआई अकाउंट में आती थी, तो वहीं से वो, अब ये डिसाइड है आप 1 तारीख दे दो या 10 तारीख को दे दो, कि आरडी अकाउंट मेरा 10 जनवरी से, तो 1 जनवरी को मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये कट कर आरडी अकाउंट में चल गए थे। अच्छा, ये मैं ना ज़्यादा नहीं करवाता था, मैं 1 साल का करवाता था आरडी अकाउंट। तो आप मुझे बताओ, ये जो 5,000 रुपये मैंने जमा करवाए, उस पर कितने मंथ का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से? 12 मंथ, है ना? आई विल गेट द इंटरेस्ट ऑफ 12 मंथ। अच्छा, जैसे ही 1 फरवरी आया, बैंक ने 5,000 रुपये और जमा कर लिए, उस पर मुझे कितने मंथ का मिलेगा? 11 मंथ का, है ना? मार्च आते ही 5,000 रुपये और जमा किए, उस पर 10 मंथ का। ये आरडी अकाउंट है। तो अगर आपने एक आरडी अकाउंट खोला है 5,000 रुपये का, तो पहले वाले पैसे पर पूरे साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पे 11 मंथ 10 मंथ 9 मंथ 8 मंथ 7 मंथ, तो लास्ट में जाके कितना पैसा होगा, ये क्वेश्चन है अभी आपका। ठीक है, अच्छा आपके लेवल पर और आसान आता है, ईयरली आता है, 4 साल का आरडी अकाउंट, है ना? आपने 50,000 का 4 साल का आरडी अकाउंट खोल दिया, तो जैसे ही साल की शुरुआत होगी 50,000 रुपये आपको बैंक में जमा करने पड़ेंगे। तो जमा हो गए, तो आपको पूरे, जैसे 4 साल का आरडी अकाउंट है, तो पहले वाला जो आप जमा करोगे उस पर कितने साल का मिलेगा इंटरेस्ट? 4 ईयर का, फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, उस पर कितना मिलेगा? 3 साल का। अच्छा, आपने देखा जब भी बैंक में डिपॉजिट करते हैं, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जमा करते हैं, देखा ना?
जैसे 4 साल का आरडी अकाउंट खुला तो साल की शुरुआत में पैसा जमा करोगे, जबकि इंस्टॉलमेंट हमेशा एट द एंड ऑफ ईयर होता है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल अपन इस आरडी अकाउंट का एक क्वेश्चन लिखते हैं जो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। राइट डाउन द वन क्वेश्चन ऑफ आरडी अकाउंट, ठीक है? लिखो, ए मैन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी इन 3 सक्सेसिव ईयर। ए मैन डिपॉजिट सर्टेन मनी इन 3 सक्सेसिव ईयर। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 क्रमागत वर्षों के लिए जमा करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 क्रमागत वर्षों के लिए जमा करता है। ए मैन डिपॉजिट ए सर्टेन मनी इन 3 सक्सेसिव ईयर। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड आफ्टर 3 ईयर द मनी बिकम्स 23,808 रुपीज़। एंड आफ्टर 3 ईयर मनी बिकम 23,808 रुपीज़। यदि साधारण ब्याज की दर 12% है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% है और 3 वर्ष के बाद धनराशि, यदि साधन ब्याज की दर 12% है और 3 वर्ष के बाद धनराशि 23,808 हो जाती है, 3 वर्ष के बाद धनराशि 23,808 रुपये हो जाती है, देन द फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन ईच ईयर, देन फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन ईच ईयर। तो प्रत्येक वर्ष जमा की गई धनराशि ज्ञात करो, तो प्रत्येक वर्ष जमा की गई धनराशि ज्ञात करो, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिट इन ईच ईयर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा क्या बच्चे सबने? अब बोर्ड पे देख लें एक बार, ठीक है? जो अगला मैं करवाऊंगा जो अपना मेन काम का है इंस्टॉलमेंट, उसका बेसिक यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो खूब हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बेसिक मैथड से। मैं ऐसा लिखता हूँ, एट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के शुरुआत में आपने एक पैसा जमा करवाया 100 रुपये मान के लेता हूँ, मैं 100 से सॉल्व कर रहा हूँ पहले। अगर मैं 100 रुपीज़ साल की शुरुआत में जमा करूँगा तो उस पर बैंक से मैं, मतलब बैंक मुझे कितने साल का इंटरेस्ट देगा? 3 साल, 3 साल का ये अकाउंट है। आर कितना है? 12 × 3 / 100। तो जो 100 रुपीज़ है वो कितना हो जाएगा? 136। पहले बताऊँ यहाँ तक कोई डाउट है? 100 रुपीज़ 136 हो जाएगा 3 साल के बाद। अच्छा, एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर मैं दूसरी इंस्टॉलमेंट देता हूँ 100 रुपीज़ की, पहले 100 लेके सॉल्व करते हैं, तो उसमें मुझे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 2 साल का। और बच्चे वो कितना हो जाएगा? 124, है ना? एट द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर मैंने 100 दिया और उसमें मुझे इंटरेस्ट कितने का मिलेगा? 1 साल का, ये हो जाएगा 112। चलो आप देख लेते हैं पैसा कितना बन गया, ऐड करो, 372 रुपये बन गया। और देखो यार, वैसे ना अधिकतर क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कितना पैसा जमा करवाया, आपसे ये पूछता है कि कितने रुपए का आरडी अकाउंट था। ये आरडी अकाउंट कितने रुपए का है? 100 का, 300 का नहीं बोलना है, 100 का। जितना पैसा पर ईयर जमा करते हैं उसी को बोलते हैं कि अच्छा ये 100 रुपये का 3 साल का आरडी अकाउंट है। तो अधिकतर क्वेश्चन में आपको पर ईयर वाले ही पूछते हैं, तो सिंपल आप कंपैरिजन करो। कंपैरिजन क्या करो कि आपका अमाउंट या हिंदी में मिश्रधन बन जाता है 372 यदि आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट मनी पर ईयर करते हो 100 रुपीज़, यहाँ तक ठीक है? 100 में 372 का बन जाता है, तो कितने में कितना था? 23,808 का हो जाता है। तो ये हुआ सिंपल सा, है ना, कंपैरिजन, यूनिटरी मेथड, ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, बताओ पहले, ठीक है क्या? चलिए तो यहाँ से करते हैं, वैसे मुझे इसकी टेबल आती है 64 टाइम्स कटता होगा ये, है ना, लिख दूँ डायरेक्ट 64, वेरी गुड, बस 64 टाइम्स ही आती है बस, है ना? तो ये इसका आंसर है। पहले आप 4 से काट लें, जैसे भी काटना, ठीक है? सो ये हुआ आरडी अकाउंट का एक क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन को कई कई बार हम फास्ट करने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाते हैं, मैं उस लिख दूँ, उसके बाद नोट कर लेना आप। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इफ़ यू डोंट माइंड, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है डिपॉजिट मनी का? एक शॉर्टकट फॉर्मूला डिपॉजिट मनी पर ईयर, ऊपर लिखना है अमाउंट
और नीचे लिखना है जितने साल का अकाउंट है, एन का है तो एन लिख दो, है ना, एन मतलब चार साल का है तो चार लिख दो, पांच साल का है तो पांच लिख दो प्लस, ठीक है। यहां से लिखना है एन इंटू, है ना, कम करते जाना एन माइनस वन, ऐसे कम करते करते एक तक जाना, इंटू आर बाई हंड्रेड, है ना, खतरनाक। ठीक है, आया तो नहीं है, कोई बात नहीं, है ना। सो ऐसा करते हैं, इस वाले को अपन बाद में लिख लेते हैं, पहले इसको उतार लो जिससे जगह मिल जाए मुझे बोर्ड पर, है ना, नोट करो इसको, फिर आप उसको लिख लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन फास्ट, जल्दी से। ठीक है बच्चा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद ऐसे ब्रैकेट बनाना चाहिए था मुझे, है ना। इसको अभी आप मत लिखो, मैं उस साइड लिख देता हूँ, पहले आप उसको बाकी को उतार लो। हाँ जी बच्चा बताओ पहले, ठीक है क्या, कौन से सर में आ गया ना, शॉर्टकट देख लेंगे अभी अपन, कौन से पाना चाहिए। अच्छा ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपॉर्टेंट बात, सीआई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना। एसआई में तो कभी आ गए तो आ गए, पर सीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर सीआई में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बताओ कितना पैसा और जमा करना होगा, ऐसे बड़े फेमस क्वेश्चन है जो सीआई में अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, इसमें तो वैसे अपने कोई ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं पूछते, तो आप ऐसा करो इसका अब मैं मिटा देता हूँ और ऊपर शॉर्टकट लिख लेते हैं, मिटा दूँ क्या उधर वाला। ये हुआ बेसिक मेथड, बेसिक मेथड कैसे किया, 100 डे के सॉल्व किया। अच्छा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैंने इसी चीज़ को एक फॉर्मूला बेस बना दिया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिपोजिट मनी पर ईयर। अब ईयर का हो ईयर का, मंथ का हो तो मंथ का, हिंदी में लिख लो प्रतिवर्ष जमा की गई राशि का शॉर्टकट, प्रतिवर्ष जमा की गई राशि, ऊपर आपको लिखना है कितना आपका पैसा बन जाता है। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा आपको डिपॉजिट मनी पूछे, हो सकता है डिपॉजिट मनी देकर अमाउंट पूछ ले, एक ही बात है। आपसे पूछेगा कि बताओ 5000 का आरडी अकाउंट है 8 साल का, आपके पास कितना पैसा आएगा, तो यहाँ पे 5000 लिख देना, अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा जितने साल का है वहाँ पे लिखना एन, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं ना। नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, अब 5 साल का तो 5 साल प्लस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है देखो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसको घटते क्रम में लिखना है, यू हैव टू राइट द इन रिड्यूसिंग फॉर्मेट, एन होगा अच्छा प्लस करना है ना उधर, फिर n माइनस वन, फिर प्लस करना है, ऐसे करते जाओ और लास्ट में एक तक आ जाएगा, और इनटू r बाई 100, है ना, एंड इट्स गुड। ऐसा नहीं है कि आपको हार्ड सा लग रहा है, बिल्कुल आसान है, और मैं इसको याद करने का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही शॉर्टकट मैं अगला इंस्टॉलमेंट में भी लगाने वाला हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको लिखकर बताता हूँ इस क्वेश्चन में मुझे कैसे लिखना पड़ेगा। देखो 23,808 रुपीज़ इंटू, ठीक है, यहाँ पे कितने साल का था बच्चा, 3 ईयर, तो 3 आ जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3 + 2 + 1 इंटू, रेट कितना था इसका 12%, ठीक है। सो यहाँ से आप सॉल्व करोगे और 3 × 2 = 5 और 1 = 6 और इसको काट लोगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट द सेम आंसर 6400।
बताओ पहले, ठीक है कर लोगे? चलिए हो जाएगा ये सब, है ना। अच्छा इसमें ये भी पूछ सकता था कि आपने इतने का आर डी अकाउंट खोला और आपको लास्ट में कितना मिलेगा, देखिए ना लाइक दिस, ठीक है। सो उसको भी ऐसे लिख लो, बता दो करके, और इस फॉर्मूले से बता दोगे तब भी इट्स गुड। ऐसे ही क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन। ए पर्सन डिपॉजिट 5,000 रुपीज, ए पर्सन डिपॉजिट 5,000 रुपीज सक्सेसिव, ए पर्सन डिपॉजिट 5,000 रुपीज सक्सेसिव फोर ईयर कर लो, फोर ईयर। एक व्यक्ति 4 वर्ष तक क्रमागत 5,000 रुपये की धनराशि जमा करता है, फोर ईयर बोला था ना, फोर ईयर। एक व्यक्ति 4 वर्ष तक क्रमागत 5,000 रुपये की धनराशि जमा करता है, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कर लो, यही बात है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 8%। यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो, देन हाउ मच मनी ही विल गेट आफ्टर फोर ईयर, तो 4 वर्ष के बाद वह कितनी धनराशि प्राप्त करेगा, जल्दी से बताओ, फॉर्मूले में रख दो सीधा। हाउ मच मनी ही विल गेट आफ्टर फोर ईयर, कितना? 36,000। और किसी का नया आंसर? कोई पॉइंट वॉइंट में तो नहीं आ रहा? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही। अब सीधा कुछ यार क्या करना है, अमाउंट है बस, और क्या, बिल्कुल सही है। एक बच्चे का आ गया, देखो कितना जल्दी 36,000 मिला, है ना, 5,000 रुपये आप चार। अच्छा ये वैसे तो ठीक है, मिलेगा तो बहुत ज़्यादा, पर 5,000 रुपये पर पूरे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर अगले 5,000 पर 3 साल का, तो इससे अच्छा क्या है, इसमें रख दो। एक का 24,000, वेरी गुड, 24,000 किसका आ गया, 1, 2, 3, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है, थोड़ा सा रिश्वत खिला दी होगी बैंक वाले को, है ना। 5,000 रुपये यहाँ पर लिखना है और इसको क्रॉस गुणा कर दो, देखो एन एन मतलब 4 साल प्लस, मैं तो ऐसे लगा देता हूँ, 4, 3, 2, 1 इंटू 8/100, ये कोई क्वेश्चन नहीं क्या, देखो ऐसे बच्चों वाला क्वेश्चन। वैसे तो बेसिक तो बता दिया, ये वो बेसिक ही है, देखो ध्यान से देखो, ये बेसिक ही चल रहा है। 5,000 रुपये पर देखो, 5,000 × 4 इतने तो आपने जमा करवाए, और देखो 5,000 रुपये पर कितने साल का इंटरेस्ट, 4 साल का, बेसिक तो है PRT/100, वही तो है बेसिक। फिर अगले 5 साल पे 3 साल का इंटरेस्ट, फिर अगले 5 साल पे 2 साल का इंटरेस्ट, फिर अगले 5 साल पे 1 साल का इंटरेस्ट, वही बेसिक तो है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, बिल्कुल बेसिक मेथड है ना। आप इसको देखते हैं पता चल जाएगा, सर ये तो वही बेसिक है, हमने टोटल 5,000 रुपये 4 बार दिए, मतलब 20,000 रुपये दिए, तो दिख रहा है ना यहाँ पे 20,000। आप पहले इसको सॉल्व करो, 4, 3, 7, 9, 10, 10 से 1 0 कट गया और ये 0.8 आ गया, तो 5,000 × 4.8 आ गया, ठीक है, 1 0 से ये 0.8 हट गया आपका, 00, 5, 40 के 0, 4, 5, 20 और 24,000, ठीक है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, बार बार एक ही पैसे को जमा करना। बताओ पहले है बच्चे किसको 100 मान के करोगे, तो 100 वही है, देखो यार ये 5,000 रुपये जमा किए 4 साल तक, कितने किए 20,000 रुपये, और इस 5,000 पर 4 साल का इंटरेस्ट PRT/100, आप क्या मान लोगे, 100 रुपये पर 4 साल का इंटरेस्ट PRT/100, फिर अगले 100 रुपये पर 3 साल का इंटरेस्ट 4 साल का, ऐसे करते जाओ, सबको ऐड करो, हाँ, फिर आप लिखोगे 100 रुपये के क्वेश्चंस में इतना आया, तो 5,000 के क्वेश्चन में कितना आएगा अमाउंट, बस ऐसे कर दो, वही है शॉर्टकट बेसिक, बताओ ठीक है।